एवरीवन, आज हम लोग बनाएंगे पनीर की सब्जी, जिसको हम लोग बिना प्याज लहसुन के बिना भी खाने में बहुत ही गजब की बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मिक्सर जार में मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने कट कर लिया, वो भी डाल देंगे इसमें। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सूखी 2 लाल मिर्च, जिससे कि इसका कलर काफ़ी अच्छा आएगा। और यहाँ पे 5 से 7 टुकड़े मैंने काजू के लिए, जिसे मैंने खोल के डाला है ताकि बारिश का मौसम में कोई कीड़े वीड़े ना हो। ये ग्रेवी हमारी बिल्कुल पिस चुकी है और मैंने इसका एक पेस्ट सा बना लिया है। और हम आज बनाएंगे शाही पनीर की सब्जी, आप इसे शाही पनीर की सब्जी कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर भी ये खाने में काफ़ी रिच और क्रीमी बनेगी। देखने में तो ये पनीर बटर मसाला की तरह ही लगती है, लेकिन इसका टेस्ट ना बटर मसाला के बजाय थोड़ा सा खट मीठा सा होता है, क्योंकि इसमें हम लोग हनी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले लिए, उसमें मैंने लिया है लौंग, इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। इसे मैं अच्छी तरीके से कूट लूँगी और इसका एक ना दरदरा सा मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला था, उसके बाद मैंने डाला जीरा और तेज़पत्ता मैंने तोड़ के डाले हैं इसमें। और इसे जो हमने मसाला कूटा था ना, दालचीनी, लौंग और इलायची का, वो इसमें मैं डालती हूँ और ज़रा सा ये बस पक जाए, उसके बाद जो है हम ग्रेवी डाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप शाही पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें जो टेस्ट है वो बिल्कुल शाही वाला आना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस ग्रेवी को अब हम अच्छी तरीके से पकाएंगे, इसमें जो भी मसाला डालना है बेसिक से मसाले डालेंगे और सब्जी जो है काफ़ी लाजवाब बनती है। ऐसा नहीं है कि आप शाही पनीर या कोई भी पनीर की सब्जी बिना प्याज लहसुन के नहीं बना सकते हैं। बहुत लोग ऐसा होता है कि सावन के महीने में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, 1 महीने तक बिल्कुल स्किप कर देते हैं खाना। तो बस वही मैं आपको बता रही हूँ कि बिना प्याज और लहसुन के भी हम काफ़ी अच्छी सी बिल्कुल ढाबे स्टाइल की सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है थोड़ा सा, इसमें जाएगा धनिया पाउडर। और आप चाहें तो इस सब्जी में किचन किंग मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है एवरेस्ट का लाल मिर्ची पाउडर और इसे भी मैं डाल लूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका तेल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता है। मैंने इसे ढक दिया था, 5 से 7 मिनट ढक के पकाया और आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और मसाला जो है काफ़ी अच्छी तरीके से पक गया है। बस आपको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि तले में जो आपका मसाला है वो लगे नहीं। अगर एक बार मसाला जल जाएगा तो सब्ज़ी का स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो बीच बीच में मैंने इसे चला दिया, 5 से 7 मिनट मैंने इसे ढक के रखा था। और यहाँ पर मैं डाली हूँ इसमें अब नमक और हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल पक चुकी है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे फ्राई करके रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कच्चा ही डालूँगी। और बस हमारा मसाला पक गया था, उसके बाद मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से चलाने के बाद 1 से 2 मिनट हम चलाएँगे। और चलाने के बाद गाइस मैं भूल गई आप लोगों को दिखाना, मैंने वीडियो जब एडिट की तो वो पार्ट मेरे से स्किप हो गया, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैंने इसमें यहाँ पे क्रीम भी ऐड की थी और थोड़ा सा दूध ऐड किया था। यहाँ पे मैंने डाला है जीरा पाउडर, इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और आप चाहें तो इसमें कस्तूरी मेथी को भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार है, बस इसमें मुझे 2 चीज़ डालना है। अच्छा, एक बार चला लेते हैं। और यहाँ पर अभी मैं डालूँगी हरा धनिया, आप चाहें तो इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर लीजिए। और बस इसे मैं अच्छी तरीके से चला लूँगी। और यहाँ पे अब मैं डालूँगी इसमें शहद, जिससे कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए बिना प्याज और लहसुन के भी इतनी अच्छी टेस्टी सी सब्जी बन करके तैयार हो सकती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।